लगातार खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल एमपी न्यूज टीवी और हाँ, बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें। महाकाल महाराज के दर्शन हुए, महाकाल महाराज के दर्शन हुए, महाकाल महाराज के दर्शन हुए और दरिया महाराज के दर्शन हुए। महाकाल महाराज से ये प्रार्थना है सभी सिद्धार्थपुर वासियों के मध्य कृपा की वर्षा करें। सब समाज आंदोलन शुरू किए हैं, देखिए रस्तों की हालत देखिए, चाहे आप हाईवे देख लीजिए, चाहे शहर की मुख्य गलियां देख लीजिए, अंदर की गलियां देख लीजिए, ढाई ढाई तीन तीन फुट गड्ढे, गहरे गड्ढे हो चुके हैं। गाड़ियों के चैम्बर उनमें टकरा रहे हैं, बहुतों के ऑयल निकल रहे हैं, बहुतों की डीजल टंकियां फट रही हैं। इस हालत में गाड़ी कैसे चलाए, क्या नाव ले लें दतियावासी, नाव से तैरना चालू कर दें इस भले बारिश वाले मौसम में। ये प्रशासन की कमी है, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है रोडों का? जब पता है कि बारिश आने वाली थी तो उससे पहले मेंटेनेंस करवाना चाहिए था रोड पे। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका को किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रदेश सरकार बिल्कुल निकम्मी होकर बैठी हुई है, केवल तक में मिली थी। अभी आपकी सरकार है, ठेकेदार अभी मेंटेनेंस पीरियड में है, आप दबाव क्यों नहीं बना रहे? यही गाते रहेंगे कि पिछला हमें विरासत में मिला, विरासत मिला। आप भी तो आगे बढ़ के काम देखिए, ठेके दबाव बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रही है कांग्रेस सरकार दबाव? आगे अगर कार्रवाई नहीं हो तो सड़कों पर उतर के उग्र आंदोलन करेगा पूरा युवा मोर्चा। पुलिस के द्वारा शाम को सवेरे गश्त लगाई जा रही है, कुछ लोग हमने गोपनीय रूप से सिविल में आदमी लगाए हुए हैं और जो भी वारदात होती है उसको ट्रेस आउट कर रहे हैं। हमारे पूरे चारों जोन के अंदर तकरीबन हम 20 वारदात में से कम से कम 16 से 17 वारदात ट्रेस कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि एक एक जो इंस्पेक्टर हैं, जो हमारे बहुत ही अनुभवी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको हमने दिए हैं, निश्चित रूप से ब्लाइंड केसेस को भी हम निकलवाएंगे।